नॉर्थ इंडिया में एक त्यौहार काफी फेमस है जिसे हम तीज के नाम से जानते हैं। इस त्यौहार में औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, जिसमें उन्हें पानी पीना तक मना होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये त्यौहार मिसोजिनिस्ट यानी नारी विरोधी है तो शायद आप मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मुझे आपको खुद से कुछ भी बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस किताब का एक पन्ना आपको पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। जिन लोगों को इस किताब के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि इस किताब की कथा को सुने बगैर तीज का व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जो स्त्री भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्या, बाध्या का मतलब लाचार, रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्र मतलब कंगाल, गरीबी, पुत्र शोक में शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, सुकरी मतलब सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीजें खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। तो सुना आपने, इस किताब में कई तरीके की नारी विरोधी बातें लिखी गई हैं और कहीं भी इसमें पुरुषों के लिए इस तरीके की बातों का मेंशन नहीं है। तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किताब नारी विरोधी है या नहीं। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपये खर्च किए, अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? किताब के लिए मैंने 15 रुपये खर्च किए, अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है?